हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और मटर की खस्ता कचौड़ी। जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। ये देखिए, ये आलू हमने 5 से 6 आलू उबाल के इसको हमने मैश करके रखा हुआ है। ये देखिए, हमने 1 कटोरी सूजी ली है, 1 कटोरी मैदा रखा है, ये 1 चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी है मटर और 4 हरी मिर्च काट के रखी है, ये धनिया डालने के लिए, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाला है इसमें डालने के लिए, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच और अजवाइन 1/2 चम्मच है, ये कसूरी मेथी थोड़ा सा, ये रिफाइंड और स्वाद अनुसार नमक। चलिए अब हम मैदा और सूजी को गूंथ लेते हैं। मैदा भी डाल देंगे, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे चक्की मिला देंगे, छान देंगे, ये छान चुका है, अब हम इसे गूंथ लेते हैं। आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा नमक भी डालेंगे, आटे में हम थोड़ा सा ये देखिए रिफाइंड भी डालेंगे, ताकि थोड़ा तेल डालने से क्रिस्पी बनता है। अब हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है, अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये हो चुका है, अब हम इसे रख देंगे, आटा गूंथ चुका है, अब हम आटे में भरने का भर। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब तेल डालेंगे, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन और अदरक का पेस्ट, डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ये देखिए धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये जो कसूरी मेथी है वो। गैस कम कर देनी है मसाले डाल के, नहीं तो मसाले जल सकते हैं तेज आंच में। देखिए हमारे मसाले हो चुके हैं, मसालों को डाल के चलाते रहना है, अगर आप छोड़ देंगे तो वो जल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने रखे हुए हैं, आलू
इसको ये मसालों में मिला के इसके ऊपर से हम अजवाइन डाल देंगे। अब हम इसे मिला लेंगे अजवाइन को। इसमें मटर डाल देंगे। मटर हमने पहले से भून के रखी थी तेल में। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे, अंदाजे से आप जितना भी डालें। ये हमारा भरावन तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, हमने गैस बंद कर दी है। धनिया डाल के अब हम इसे मिला लेंगे। अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। इसको हमें हाथ से ही बनाना है, उंगलियों से ऐसे ऐसे बढ़ा लेंगे। ये देखिए बढ़ चुकी। अब हम इसमें ये भरावन डालेंगे। हथेली से ऐसे दबा देंगे, बस दो चार बार ऐसे कर ये रख देंगे। इसी तरीके से हम ये सारी बना लेंगे। भर के तैयार है कचौरियाँ। आइए अब हम इसे तल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम कचौरी तल लेते हैं। इसको हमें डीप फ्राई करना है। इसको चलाते रहना अलग अलग के। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। कचौरी अब हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। हमने इसको डीप फ्राई किया है। अब इसी तरीके से हम ये जो रखी है ये निकाल लेंगे।
कचौरियाँ अब तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। ये मटर सूजी की खस्ता कचौरी हमारी तैयार है, इसको हम सॉस के साथ खाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़